तो वीवीए प्रोग्रामिंग में एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। बेसिकली मैं दो सीट बनाया है, एक सीट पे मेरा फॉर्म है जिसमें आप नेम, सिटी, अमाउंट देख रहे हैं, और दूसरे मेरा डेटा है जिसमें आईडी, डेट, टाइम, नेम, सिटी, अमाउंट। मतलब कि यहाँ पे मैं एक बटन बनाऊंगा, उस बटन पे जब क्लिक करूंगा तो नेम, सिटी, अमाउंट तीनों उठ के डेटा में एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे आना चाहिए। तो फॉर्म में मेरे पास नेम, सिटी, अमाउंट है, लेकिन बाकी जो डेट, आईडी, डेट, टाइम ऑटोमेटिक जनरेट होने चाहिए। एक छोटा सा ऐसे ही मैंने तो फॉर्म बना रहा हूँ, लेकिन आप उसको एक अच्छे से फॉर्म में डेवलप करेंगे, ठीक है? ओके इसलिए ध्यान से प्रोजेक्ट देखिएगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट फिर आपको करना है। तो इंसर्ट किया मॉड्यूल्स, और हमने इसको डुअल स्क्रीन कर देता हूँ ताकि दिखेगा। आपका शायद से वो दूसरे से मॉनिटर पे बटन दे चला जा रहा रहा है। हूँ, दूसरे मॉनिटर पर ऑटोमेटिक चला जा रहा है, ऐसा होता तो नहीं था। प्रोजेक्ट विंडोज और से एरो एरो राइट और राइट लेफ्ट और यूज करके एक वो। विंडो एरो, हाँ विंडोज जो विंडोज जो साइन से है एरो दैट राइट, विथ एरो। हाँ तो आप अभी अभी एक्सेल पे एक्सेल पे क्लिक क्लिक करना है, यही करिए। सेंड चलिए एंड चलिए चलिए, हाँ अब एक चीज नई चीज सीख गया कि मैंने, चलिए थैंक यू। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट, सबसे पहले मुझे चाहिए आईडी क्रिएट करना है। कि आईडी कैसे क्रिएट करें, एक मैक्स का फॉर्मूला है जो कि मुझे बताता है कि इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। जैसे 1 डालेंगे तो 1 आएगा, तो इसमें प्लस करके मैं नेक्स्ट आईडी निकाल सकता हूँ ना सर, कि नेक्स्ट आईडी जो है 2 होगा, जो कि मैं यहाँ डालूंगा। जैसे यहाँ 2 डल जाएगी, नेक्स्ट आईडी 3 होगा, यहाँ 3 डालूंगा, नेक्स्ट आईडी 4 होगा, ठीक है सर? पर आईडी कहाँ पे? ओके तो बेसिकली सबसे पहले तो एक वेरिएबल लेना पड़ेगा आईडी, और फिर यहाँ पे लिखता हूँ एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट मैक्स, क्योंकि मैक्स जो है वो डायरेक्ट वीवी को सपोर्ट नहीं करता, इसलिए हमने एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन के साथ मैक्स लिया। फिर यहां मैं क्या करूंगा, दूंगा सीट्स, कौन सा शीट्स, तो डेटा शीट, उसके अंदर रेंज ए बाई ए, पूरा कॉलम ले लिया, पूरे कॉलम की जो मैक्सिमम होगी वो आईडी पे डाल दें। अब मुझे इसके अंदर आके डाटा डेटा डालना है, एक के नीचे एक के नीचे। तो कल मैंने बताया था कि हमने किया था रेंज ए 65,000 डॉट एंड एक्स लेस अप अब डॉट ऑफसेट 1, यहाँ पे 1,0 डॉट जीरो वैल्यू इक्वल टू आईडी प्लस 1, ठीक है? अगर मैं इसको रन करता ओके हूं तो आप देखिए 1 डल गया, दोबारा रन करूंगा 2 डल जाएगा, 3, 4, 5, दिख रहा है सर? क्योंकि हर बार एक नीचे से ऊपर आ रहा है, फिर ऑफसेट उसको एक रो नीचे ला रहा है, समझ गए? हाँ यस अब यहां पे हमने डाल दिया, अब यहां पे आते हो वापस, अब इसी कोड को मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूं। अब मैं यहां 0 करता हूं और यहां पे करता हूं 1। हमने क्या किया, 0 और 1, तो सेम रो में बट कॉलम नेक्स्ट हाँ, क्योंकि इस बार जो डेट डालना है यहां डालना है ना, मैं करेक्ट यहां पे हम कर देंगे डेट, ठीक है? ओके
हमने कर दिया डेट। उसके बाद वापस इसको कॉपी करते हैं और वन के जगह पे हो जाएगा टू और डेट के जगह पे हो जाएगा टाइम। तो अभी मेरा डेटा सीट एक्टिव है, अब इसको मैं प्ले कर रहा हूं तो ये आ गया दोनों डेट एंड टाइम। क्या सर? लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम ये होता है, हाँ प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम यहाँ होती है कि अगर मैं फॉर्म सीट से भेजूंगा तो दिक्कत हो जाएगी ना, तो मुझे इसके आगे इसका शीट का रेफरेंस देना होगा क्या? ठीक है सर, आप बोलेंगे कि कल जब मैंने डेटा सिलेक्शन के बारे में पढ़ाया था तो उसमें हमने पहले सीट को सिलेक्ट किया था फिर एंड जोन को सिलेक्ट किया था। करेक्ट। बट जब कोई वैल्यू आप टाइप करते हो तो आपको जो है, या पेस्ट स्पेशल करते हो तो आपको जो है अलग अलग देने की जरूरत नहीं, आप एक साथ पूरा पाथ दे सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ भी मैंने दिया हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गई, अब बात करते हैं कि मुझे अब तीन चीज कर दिया, अब डेट चाहिए, चाहिए नेम चाहिए, तो इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट करूंगा और इसके इसको कर दूंगा थ्री। क्या कर दूंगा? थ्री। और यहाँ पे हो जाएगा नेम के जगह पे रेंज फॉर्म के अंदर फॉर्म शीट का रेफरेंस बी थ्री। अब आप यहाँ पे जैसे आप बोल रहे हैं कि फॉर्म शीट का रेफरेंस देना है तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देना यार जरूरी नहीं है। क्यों? इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि जब इस माइक्रो को हम सेंड माइक्रो रन करेंगे तो एक बटन के थ्रू रन करेंगे, मतलब हम जाएंगे डेवलपर टैब, डेवलपर टैब के अंदर बटन हमने सेलेक्ट किया और हमने असाइन कर दिया माइक्रो। ठीक है। और यहाँ पे हम सेव करते हैं, तो माइक्रो रन करने के लिए बटन पे क्लिक तो करना होगा ना सर? करेक्ट। बगैर बटन पे क्लिक किए डेटा तो नहीं जाएगा, जाएगा सर? तो उनको बेसिकली कुछ भी करके यहाँ पे तो ये फिल करना पड़ेगा। हाँ, तो इसके आगे हालांकि दे देंगे सीट फॉर्म तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और नहीं डालेंगे फिर भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। यस। अब आपके ऊपर मर्जी है क्या कर सकते हैं। यहाँ पे फोर, यहाँ पे फाइव, और यहाँ पे बी थ्री के जगह पे बी सिक्स, और यहाँ पे बी नाइन, और फिर यहाँ पे करेंगे रेंज यहाँ पे बी थ्री कॉमा बी नाइन कॉमा बी सिक्स। ये क्या है? ये मल्टी सेल सिलेक्शन, हम कंट्रोल दबा के सेलेक्ट करते हैं ना उसको, कल चीज भूल गया था मैंने बताना है आपको कि हम कंट्रोल से इसको सेलेक्ट करते हैं, तो ऐसे यहां सेलेक्ट कर सकते हैं कि इन्वर्टर कॉमा में तीनों एड्रेस कॉमा कॉमा करके डाल दो, वो कंट्रोल के माध्यम से सेलेक्ट कर दे, और फिर बाद में कंफर्मेशन एमएसजी बॉक्स डेटा सेव। तो जनरली हम लोग कंट्रोल से जब सेलेक्ट करते हैं तीन वैल्यू अगर एक कॉलम है तो बीच में जो है जैसे कि 4 5 7 8 वो वाले रो में वो भी कॉपी होती है, बट व्हेन वी डू दिस वाया कोड तो एग्जैक्ट वही कॉपी होगा। करेक्ट। राइट। जी जी। हां ओके। ठीक है। ओके। अब चलिए इस पे कॉपी होने के बाद डेटा सेव का ये पॉपअप देगा। जी, ये कॉपी जो है क्लियर कंटेनर है, मतलब डिलीट करेगा। तो क्यों क्लियर? ओके। ये पूजा कर दिया फॉर नेक्स्ट मोहन के लिए, मोहन कर दिया और यहाँ पे अमाउंट कर दिया हमने, सॉरी सिटी में होगा मोहनपुर कर चले। ठीक है। जब मैं सेव करूंगा तो पहले डेटा डालेगा, फिर इस सबको क्लियर करेगा ताकि अगले एंट्री कर सके नेक्स्ट के लिए, और फिर एक मैसेज दे देगा कि हमारे सेव हो गया कंफर्मेशन के लिए। हो गया। लेकिन यहाँ वन आया, आप पूछे क्यों आया वन? हमने एक छोटी सी गलती की, यहाँ पे हमने सीट का रेफरेंस नहीं लगाया। करेक्ट। आई वाज थिंकिंग कि वहाँ पे क्यों नहीं है, बिकॉज़ अब पूजा मोहनपुर एंड सेव एंड ओके। आप देखें डेटा मेनू बार में चल गए, लेकिन इससे पहले इसने हेडिंग को रिप्लेस कर दिया था गलती से, तो मुझे हेडिंग डालना पड़ेगा इसको डेट टाइम नेम
सिटी ठीक है। अब तो मैं जो दूसरी आईडी टीम मैंने उसने जो फर्स्ट वाला है उसने आई थिंक रीड नहीं किया हेडर को, सो वी शुड आई थिंक वो यहाँ टू चला प्लस गया हो। या हाँ तो कोड में वो चेंज करना गलती पड़ेगा। था, तो गलत तो गलत ही होगा ना सर, कोड गलत है तो रिजल्ट में कुछ ना कुछ गलती होता रहेगा ठीक है। और मैंने सेव किया, ओके दूसरा दूसरा लाइन आई लाइन, है। दूसरा लाइन आ गया। तो समझ में आया कोड आपको है? ठीक, या कोड मैं व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ आपको। अब आपको क्या करना है, बोलेंगे सर बड़ी छोटी क्लास हुई, या छोटी क्लास ही है क्योंकि इसमें आपको प्रोजेक्ट करना है। अब आपको कितना टाइम लगता है उससे टोटल क्लास का ड्यूरेशन डिसाइड होगा ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है फॉर्म गूगल पे और जाना है इमेज पे, और यहाँ एक फॉर्म चूज कीजिए जो अट्रैक्टिव हो और आप उसको बना सके ठीक है। जो भी आप बना सके, आप ये बनाना चाहते हैं तो ये बना लीजिए, या ये बनाना चाहते हैं तो ये बना लीजिए, या आप इसको बनाना चाहते हैं तो इसको बना लीजिए, जो आप बना सके। और फिर उस फॉर्म का डेटा दूसरे फाइल में या दूसरे शीट में आप ट्रांसफर कीजिए ठीक है। ठीक है, ये टॉपिक आप कर ठीक है लेते सर। हैं तो कल की क्लास में हम आपको बताएंगे कि इसमें एक भी और भी करना है, क्योंकि शीट टू शीट है ना, फाइल टू फाइल, जैसे कि मेरा फॉर्म अलग फाइल पे है और डेटा अलग फाइल पे है, तो ये फाइल का डेटा उस फाइल पे जाना चाहिए, ये भी आपको करना है। अगर आप ये कर लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम अगली टॉपिक पढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं तो कल इसी टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा ठीक है। ओके सर, श्योर, ठीक तो अब है। ये चीज ध्यान रखिएगा कि हर 2-3 क्लास के बाद ऐसे ही एक अधूरा सा प्रोजेक्ट मैं रखूंगा जो कि मैं थोड़ा करूंगा, बाकी कंप्लीट आप चलेगा।